आज हम लोग बात करते हैं कि ऐसी रेखाओं के बारे में जो रेखा आपके हाथों में राज योग बनाता है और यह रेखा बहुत कम आदमी के हाथ में होता है। दूसरा है कि सरकारी नौकरी के बारे में। सरकारी नौकरी हर एक आदमी को नहीं मिल पाता है और बहुत आदमी को मिल ही जाता है, लेकिन यह सरकारी नौकरी, यह रेखा अच्छे पोस्ट पर जो जाते हैं उस वो अगर उनके हाथों में है तो वो अच्छे पोस्ट पर जा सकते हैं। वो रेखाएं के बारे में आज हम बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये एक जीवन रेखा जो हर एक व्यक्ति के हाथ में होता है, ये जीवन रेखा होती है जो यहाँ तक आती है। अब है कि ये जो पर्वत होता है यह गुरु पर्वत होता है। ये पर्वत गुरु पर्वत होता है और ये जो पर्वत होता है वो शनि पर्वत होता है और ये पर्वत जो होती है वो सूर्य पर्वत होती है। ये पूरा पर्वत, ये पूरा एरिया जो हुआ, ये हुआ शनि का, ये जो पूरा एरिया है यह गुरु का पर्वत होता है और यह जो पूरा एरिया है यह सूर्य का पर्वत होता है। अब यहाँ से एक रेखा निकलती है जिसे हम भाग्य रेखा कहते हैं। अब ये भाग्य रेखा सीधा निकल के, भाग्य रेखा भी इसे कहते हैं और शनि रेखा भी कहते हैं, अगर सीधा निकल के यहाँ पे त्रिशूल का चिन्ह बनाता है, यहाँ पे अगर त्रिशूल का चिन्ह अगर बना दिया तो समझ ले कि ऐसे व्यक्ति को राजयोग होने का बहुत चांस होता है। और इनके हाथों में अगर ये कर्म करते हैं तो इनके पास में अच्छा पैसा भी आएगा। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आएगा, इन्हें विरासत में भी अच्छा पैसा मिलता है और इस ये कर्म करके भी अच्छा पैसा कमाते हैं, इसमें प्रॉब्लम कहीं नहीं है। अब है कि अगर किसी भी व्यक्ति का यह शनि रेखा जो है, ये जो मैंने बताया है सूर्य पर्वत और यह गुरु पर्वत, अगर यही रेखा यहाँ से निकल के, यही रेखा अगर यहाँ से यहाँ तक आती है और ये रेखा अगर इस पर्वत पर यानी कि सूर्य पर्वत पे चली गई और एक रेखा यहीं से निकलकर अगर गुरु पर्वत पर चली आई तो भी ऐसे व्यक्ति को राजयोग होता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि ये जो मस्तिष्क रेखा होती है वो मस्तिष्क रेखा यहाँ तक आकर रुकना चाहिए, ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए। यहाँ तक अगर इस रेखा में अगर आके सट गया है, ये दोनों में से कोई भी रेखा में से अगर आके सट गया है तो, और ये रेखा दो भागों में बटकर एक सूर्य पर्वत की ओर चला गया है और एक जो है यह गुरु पर्वत की ओर चला गया है, तो भी ऐसे व्यक्तियों को राजयोग होने की संभावना बहुत ज़्यादा होता है। अब है कि किसी भी व्यक्ति का अगर ये गुरु का जो पर्वत है, ये पर्वत और ये सूर्य का पर्वत दोनों उभरा हुआ हो, दोनों बहुत उभरा हुआ हो और यहाँ जो ये जो पर्वत होता है ये चंद्रमा का पर्वत होता है दोस्तों, ये चंद्रमा का होता है और चंद्रमा यहाँ से जो ये हार्ट लाइन गुजरती है चंद्र, और ये जो मस्तिष्क रेखा जो यहाँ तक आती है, ये जो एरिया है ये एरिया होता है मंगल का एरिया होता है, ये एरिया मंगल का होता है। इससे नीचे का जो एरिया होता है ये होता है चंद्रमा का एरिया। अब मस्तिष्क रेखा जो है ये रेखा को काटते हुए, शनि रेखा को काटते हुए, लक लाइन को काटते हुए अगर यहाँ पे आके मंगल पर्वत पर दो भागों में बट जाती है, अगर यहाँ पे अगर दोस्तों दो भागों में बट जाती है तो ऐसे व्यक्ति को, और ये दोनों जो एरिया है ये पूरा उभरा हुआ होना चाहिए, और ये अगर यहाँ पे आके दो भागों में बट गया तो भी ऐसे व्यक्ति को अपने ज़िंदगी में राजयोग मिलता है और ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी में अच्छे पोस्ट पर जाते हैं। जिन व्यक्तियों का यहाँ पे ये पर्वत सूर्य पर्वत उभरा हुआ हो और गुरु पर्वत उभरा हुआ हो और यहाँ पर अगर दो भागों में मस्तिष्क रेखा आकर इस दोनों को काट चुका है तो ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी गारंटी है कि अच्छे पोस्ट का मिलेगा। छोटा मोटा नौकरी ऐसे आदमी को नहीं मिलता है सरकारी, ऐसे व्यक्ति को सरकारी उच्च जॉब की प्राप्ति के वाली मिलती है। अब है कि ये रेखा सभी व्यक्तियों के हाथ में
अब हम इसे क्लियर कर दिए हैं फिर से। अब है कि बहुत से कमेंट में क्वेश्चन आता है कि लड़का कौन से हाथ को देखे और लड़की कौन से हाथ को देखें, तो इसमें हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि अगर आप मेल हैं तो राइट हैंड देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड वही देख सकते हैं जो अगर आप लड़की हैं। लेकिन अगर आप लड़की हैं और अपने पैर पर खड़ा है, मतलब कि खुद कमाते हैं पैसा, तो आप अपना राइट हैंड ही देखें, क्योंकि कर्म का जो हाथ होता है वो राइट हैंड ही होता है। अगर आप दूसरे पर लड़की हैं, अगर दूसरे अपने हस्बैंड पर या माँ बाप पर डिपेंड हैं, तो आप अपने लेफ्ट हैंड को देख सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दूसरे का हाथ देख रहा है, अगर आप किसी का सीखे हुए हैं, अगर किसी का देख रहे हैं, तो निष्कर्ष जो पॉइंट किसी चीज़ को अगर कोई स्टोन पहनने के लिए अगर बताते हैं, तो वह उस वक्त आपको दोनों हाथ देखना बहुत ज़रूरी होगा। अब है कि अब हम बात करते हैं राजयोग के पांचवा स्टेप के बारे में। अब वो क्या है कि अगर किसी भी व्यक्ति का यह जो लाइन है, मैंने आपको बता दिया कि ये जो लाइन है ये मस्तिष्क रेखा होती है, मस्तिष्क रेखा यहाँ तक आ गई और ये सूर्य पर्वत ये जो एरिया होता है ये सूर्य का एरिया होता है, और यहीं से कोई रेखा अगर निकल के सूर्य तक आती है, यहाँ से कोई रेखा निकल के यहाँ तक सूर्य तक आती है, अगर सूर्य तक आई और यहाँ से ये गुरु पर्वत की ओर झुकने लगा है, अगर ये गुरु पर्वत की ओर झुकने लगा है, तो ऐसे व्यक्ति को भी राजयोग होने का बहुत चांस होता है। लेकिन दोस्तों ये यहाँ पे मिलना चाहिए, यहाँ यानी कि यहाँ पे मिलके दो भागों में बंट जाना चाहिए, ये काट के एक भागों में यहाँ तक नहीं आना चाहिए, यानी कि मंगल तक नहीं आना चाहिए। ये मंगल का एरिया होता है, मैंने आपको बता दिया है, ये यहीं तक कट जाना चाहिए या यहाँ पे कटने के बाद यहाँ पे दो भागों में बंट जाना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को के हाथों में राजयोग का चांस होता है, ऐसे व्यक्ति अपने कर्म से अच्छा पैसा कमाकर रखते हैं। अब है कि किसी भी व्यक्ति को अगर ये जो शुक्र पर्वत, ये होता है शुक्र पर्वत दोस्तों, ये जो पर्वत होती है ये शुक्र पर्वत होती है, ये पूरा पर्वत शुक्र पर्वत होता है। अब इस शुक्र पर्वत पर किसी व्यक्ति को अगर स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है, तो भी ऐसे व्यक्ति को राजयोग होने की संभावना 100% होती है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, कि कंडीशन क्या है, अगर ये स्वास्तिक बना हुआ है और ये पर्वत गुरु पर्वत और ये सूर्य पर्वत, ये दोनों पर्वत उठा हुआ होना चाहिए, और यहाँ पर जो है एक सीधी रेखा, यानी कि सूर्य पर्वत जो जॉब वाली होती है रेखा, जो नॉर्मल जॉब सरकारी जॉब वाली रेखा होती है, वह व्यक्ति के हाथों में होनी चाहिए, तो ही ऐसे व्यक्ति को राजयोग होने की संभावना होती है। या ये रेखाएं अगर यहाँ तक, ये रेखा एक रेखा यानी कि सूर्य पर्वत पे एक रेखा हो, और ये दोनों रेखाएं, ये दोनों जो एरिया है यानी कि गुरु पर्वत और ये सूर्य पर्वत उठा हुआ होना चाहिए, और यहाँ पे स्वास्तिक का चिन्ह होना चाहिए, तो भी राजयोग होता है। अब है कि किसी व्यक्ति को पूरे हाथों में अगर तलवार का चिन्ह है, यहाँ से ये जो एरिया होता है ये बुद्ध का एरिया होता है, अब यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति को तलवार का चिन्ह बना हुआ, यानी कि यहाँ से ऐसा चिन्ह बना हुआ है, और इसका मतलब कि तलवार का जो सीधा जहाँ से पकड़ते हैं, अगर वो पतला सा यहाँ तक बना हुआ है, तो भी ऐसे व्यक्ति को राजयोग का चांस होता है, ऐसे व्यक्ति को राजयोग मिलता है। अब है कि दोस्तों अगर आपके पास में कोई भी सवाल है, तो आप कमेंट में नीचे लिख सकते हैं, और अगर आप अपना हाथ से कोई भी जुड़ी समस्या है, तो आप नीचे वेबसाइट का लिंक है उस पे जाएं, और वहाँ पे आप ईमेल आईडी मिलेगा, ईमेल आईडी पे मेल करें, और आप संडे को कॉल भी कर सकते हैं, वहाँ पे आपको नंबर भी मिल जाएगा। धन्यवाद।